जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ? ऑस्टिन, बाड़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा गरीब होने से पहले, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब दो लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को दो ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन तीनों इम्तिहानों को पूरा किया तो? और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम, तीनों इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बा जान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे नेस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे, उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उसे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ एक घंटे से खड़ा हूँ, तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ, वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे, फिर तुम्हें उससे उठा कर थैली में जमा करने हैं, 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ़ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ़ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अम्रों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ, चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए। 3 मुजस्मे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर? मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दाया मुजस्मा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मैं मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है।
ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहां उसने देखा ढेरों चींटियां टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा घर, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओ बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा, उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया, फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ़ औरत ने सूरजमुखी के बीच जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था, इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ़ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है, तुम्हें 12 अंगूठियाँ इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ़ खातून ने अंगूठियाँ पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था, उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया। लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे, उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियाँ हैं। उसके बाद उस ज़ईफ़ औरत के पास गया। सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था, शहजादी कौन सी है। ओ, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है। फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियाँ खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओ बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रहे हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में दो प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!